तस्वीरों में लोगों की भीड़ एक जख्मी पुलिसकर्मी को ऑटो में बैठाती नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पुलिसकर्मी कैसे इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सीतामढ़ी के कुआरी मदन गांव में शराब माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। शराब माफिया को गिरफ्तार करने गई लौखर थाने की पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एएसआई दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू पासवान को गोली लग गई, जिसमें से दिनेश राम की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई। दूसरी ओर चौकीदार की हालत नाजुक बनी हुई है। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था रंजन अपने घर पर आया हुआ है। उसमें पुलिस पदाधिकारी और कॉन्स्टेबल एक से उधार के साथ वहां बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे दो कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लाल बाबू को। दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के क्रम में डेथ हो गई है, चौकीदार इलाजरत है। कारोबारी की भी मौत हुई है, इसमें जवाबी कार्रवाई में कोई जख्मी? अभी आपको सूचना है, वहाँ SDPO सदर गए हैं, सूचना मिलने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। घटना से इलाके के लोग जरे हुए हैं। हालांकि घटना में शराब कारोबारी रंजन सिंह की भी मौत की बात सामने आई है, लेकिन कैमरे पर पुलिस पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शराब कारोबारी द्वारा ASI की हत्या से पता चलता है कि बदमाश बिहार पुलिस को कुछ समझते ही नहीं। इससे पहले भी शराब माफिया द्वारा बिहार पुलिस की पिटाई की खबरें आई थी। शराब माफियाओं के दिल में जड़ बैठाने के लिए बिहार पुलिस को डरपोक वाली अपनी छवि को बदलना होगा।